नमस्ते पार्टनर्स, मेरा नाम दिशा संजय आयरे। मैं मुंबई ए एरिया से हूँ, MB15 की ब्रांच डायरेक्टर। आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ, महाराष्ट्रियन स्पेशल रेसिपी है, हेल्थी और टेस्टी कोथिंबीर की वड़ी। कोथिंबीर वड़ी मैं जो बना रही हूँ, हिलुक्स वेसल में बना रही हूँ। इसके लिए मैं लूँगी 20 रेगुलर लिया है मैंने, और डीप फ्राई के लिए मैंने 16 रेगुलर लिया है। और कोथिंबीर वड़ी है जो स्टीम करनी पड़ती है, इसके लिए मैंने ये स्टीमर लिया है। ये वेसल मैं यूज़ कर रही हूँ हीलुक्स के, ये 304 स्टेनलेस स्टील के वेसल है। जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो हमें पूरा न्यूट्रिशन विटामिन मिल जाता है, तो जिसमें हम अभी कोथिंबीर वड़ी बनाएंगे। कोथिंबीर वड़ी बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है, ये हमने कोथिंबीर यानी धनिया पत्ती, कोरिएंडर लीव्स ये लिए हैं मैंने बाउल में काट के लिए बारीक पीस। बेसन लिया है मैंने, 1.5 कप बेसन लिया है, 1/2 कप राइस फ्लोर लिया है, हींग, ग्रीन चिली गार्लिक पेस्ट, वाइट तिल, रेड चिली पाउडर, स्वादानुसार नमक, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर। फ्राई करने के लिए ऑयल। अभी हम मिक्स करेंगे, ये जो धनिया है उसमें मैं बेसन मिक्स करती हूँ, और राइस फ्लोर, थोड़ा हींग, गरम मसाला, धनिया पाउडर, वाइट तिल, लाल मिर्ची पाउडर, ग्रीन चिली भी, हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार डालना है। और अभी इसमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही हमें मिक्स करना है ये सब। सब मैंने मिक्स किया है, अभी इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 2 या 3 स्पून हमें पानी डालना है और मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। जैसे हम आटा गूंथते वैसे हो गया, और अभी इसमें थोड़ा ऑयल डाल के अच्छी तरह से सब गूंथ देंगे। इसके हमें छोटे छोटे रोल करने हैं स्टीम करने के लिए। हाथ में थोड़ा मैंने ऑयल लगाया है, अभी इसके हम रोल करेंगे, 3 रोल इजीली इसके हो जाएंगे। 3 रोल मैंने बना लिए हैं, जो इसमें स्टीमर में हम स्टीमिंग करेंगे। ये अपना जो हीलुक्स का स्टीमर है, इसकी खासियत ये है कि इसमें ऑयल लगाना नहीं पड़ता। नहीं तो नॉर्मल हम स्टीमिंग करते तो उसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि नीचे चिपकेगा, इसमें ये नहीं चिपकता है, तो बिना ऑयल के हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये 3 रोल रखते समय हमें थोड़ा गैप देना है, चिपका के नहीं रखने हैं। ये देखो 20 रेगुलर मैंने गैस पे रखा है, गैस को स्लो रखा है, उसके अंदर मैंने पानी रखा है, 1.5 इंच पानी रखा है। इसके ऊपर अभी मैं ये स्टीमर लगाती हूँ। मैंने इसमें पानी रखा है। इसके अलावा आपको अगर कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनानी हो या चावल बनाने हो, तो इसमें दोनों कुकिंग एक साथ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नॉर्मल 20 पे है, 100 पे आने तक स्लो गैस पे हमें ये रखना है। हमने जो कोथिंबीर वड़ी स्टीमिंग के लिए रखी थी, 7 to 8 मिनट्स हो गए हैं, अभी साइड से स्टीम भी जा रहा है और हमारा जो इंडिकेटर है 100 पे भी आ गया है। अभी जो ये स्लो गैस पे रखा था हम बंद करेंगे, और 5 मिनट के बाद हमें खोलना है। 1 मिनट हो गया, अभी ये लीड हम ओपन करते हैं, देखिए, और इसे हमें निकालना है। अभी ये ठंडा हो गया है तो हम निकालते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, इसमें हमने ऑयल नहीं लगाया, देखिए फिर भी इजी वैसे ये निकल रही है। मैंने देखिए काट के इसके स्लाइस बनाए हैं, अच्छा खासा स्टीम हो गया ये। अभी ये जो हमने स्टीम किया है, जिसे स्टीमिंग खाना अच्छा लगता है ऐसे भी खा सकते हैं, इसे हम शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और इसे हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं। कोई भी तरीके से हम ये खा सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको डीप फ्राई करके दिखाऊंगी। कोथिंबीर वड़ी डीप फ्राई करने के लिए मैंने 16 रेगुलर में ऑयल लिया है, इसमें ऑयल भी कम लगेगा, और जो कोथिंबीर वड़ी हम डीप फ्राई करके निकालेंगे वो भी पूरी ड्राई की ड्राई रहेगी, ऑयल उसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि हीलुक्स वेसल की खासियत और भी बहुत कुछ है, इसमें अपने टाइम, मनी, एनर्जी सब सेव होता है। कोथिंबीर वड़ी देखिए अभी दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, उसे अभी मैं निकाल लेती हूँ। कोथिंबीर वड़ी रेडी हुई है, देख सकते हैं। इसे हम टमाटो सॉस के साथ या स्वीट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टैंडी सर एंड गिरीश सर एंड शिरीन मैडम, आज हमें और एक मौका दिया है एक रीजनल डिश बनाने का इस ऑसम एटीट्यूड।